सर थोड़ा थोड़ा सर जनाब गुलाम हैदीन सोफी साहब को भी हमारे बीच में तकलीफ फरमा है, इन को सुनने के लिए और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी सारे यहाँ पर तकलीफ फरमा है। तो अब हम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर दावत हुक्म देता हूँ मुश्ताक अहमद कादरी साहब को, जो जल्द दायर करूँगा गुलाम हसन हाजी गुलाम हसन वानी साहब से, जो पैटर्न ट्रेडर्स हैं खरीदी के, वो डीसी मैम उम्मीदें भरते मोमिन है, खुदा के ताजदार हूँ। थैंक यू करें ताकि वो हमारा जो प्ले ग्राउंड वाणी बाला में है वो बन जाए। यहाँ पे जो डिमांड्स इरिगेशन और वाटर सप्लाई के लिहाज से उठी है, सबसे पहले ये दर्दपुरा में एक प्रोटेक्शन बंद, ये जो प्रोटेक्शन बंद है ये हमने डीपीआर बनाया है और फर्स्ट का डीपीआर एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड। और मुझे लगता है चेयरमैन ब्लॉक गवर्नमेंट काउंसिल बागुरा, हमारे जिले सरबराह सेक्टोरल ऑफिसर्स, डीआरआई मेंबर्स, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, मीडिया फ्रेटर्निटी, आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से हकीकत भरा सलाम आदाब सत श्री अकाल। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की तरफ से आप तमाम लोगों को खुशामदीद करता हूं इस ब्लॉक दिवस में, जो कि मौजूदा सरकार की एक पहल है कि जो भी ऑफिसर्स हैं उनको आवाम की दहलीज पे लाए। और कंट्रोल ऑफ यू कुछ उस वक्त गांव की तरफ और मोहतरमा मैडम मुझे अच्छे से जानती है, एक छोटा सा सोशल वर्कर हूँ। गोडनिच डिमांड ऐसी की आबिश ऐसी दिक्कत मैडम आप से सिवान गांवस बोन कैसी पे बुकुर गांव दोनों हिस्सों में तकसीम एक दो एक साइड सिवान बेक दो बेक साइड सिवान ये करित के शुन ऐसी आप इस फैसिलिटी बराबर गसान की। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक और जम्मू कश्मीर की गलियां गलियों में मेरा आना जाना लगा ही रहता है और काम देश हर पंचायत में तेरी लोगों से इनके मुश्किलात और मसाइल जान सकते हैं। आप सब जानते हैं, आपको बखूबी पता है आपने इस पंचायत ब्रांच के लिए क्या किया है। मैं जानता हूं यहां के सरपंच लोग नहीं जानते हैं, जब आप बड़गाम में बादशाह के डिप्टी कमिश्नर तैनात थे हमने 12 बजे आपके साथ काम किया है और आपने हमें तमाम फैसिलिटीज मयसर रखे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं।
citizens is electoral addition to the change, to the result that we shifted to other place to avoid any untoward incident. PDP authorities be kindly be directed to shift to the transform. As I earlier said, this tehsil has a strategic importance. The tehsil magistrate, who has Bhagura tehsil as an additional charge, is having an outdated and old meter. He has to travel to hilly areas and long distances. He may kindly be allotted a fresh government vehicle as he has to travel a hilly area. One more demand, and this is the last demand. CAPD department is without building. A building must be constructed. Thanks. का ब्लॉक सदस्य सीरी वापुरा में ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पर एक बहुत ज्यादा स्केल पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें सारे PRIs, पंचायत सरपंच, DC, चेयरपर्सन और एडिशनल कमिश्नर जी मौजूद थे। इसके अलावा सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी यहां मौजूद थे। लोगों से बात की गई और उन सबकी डिमांड्स भी सुनी गई, उनको नोट डाउन भी किया गया और एक एक करके सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने अपने जो है जो उनकी कार्रवाई थी या जो उनकी कारगुजारी थी उसके बारे में बताया और जहाँ जहाँ की डिमांड्स रेज की गई थी वो उनको भी नोट किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि पंचायत को भी अवेयर किया गया कि उनके लेवल पे जो काम हो सकते हैं उनको किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है ताकि पंचायत और जो ब्लॉक्स हैं वो अपनी प्लानिंग करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजें। मैम, इससे पहले बैक टू विलेज प्रोग्राम बहुत बार हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है बैक टू विलेज में हमें बड़ी बड़ी दावे दी गई थी, उनमें उनका भी काम नहीं किया गया। जिस तरह के आज ब्लॉक दिवस चल रहा है, यहाँ पे भी हमारे काम को सुनाया जा रहा है। इससे पहले भी ये काम हमने गिनवाए लेकिन उन पर फिर अमल नहीं किया जा रहा। ब्लॉक दिवस जो है वो एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है जो जम्मू कश्मीर यूटी में चल रहा है और सिर्फ ऐसी एक यूटी है जहाँ पर ये ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें खुद डिप्टी कमिश्नर भी आता है, उसके साथ पूरी टीम जो है डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स की जो है वो आती है और इसमें ये डिस्कस किया जाता है कि किस तरह से जो ज़मीनी सतह पे जो हम प्लान्स बनाते हैं उनको किस तरीके से लाया जाए और उनका जो है लोगों का रिस्पांस लिया जाता है ताकि ये समझा जाए कि क्या और दिक्कतें हैं, किस तरीके से बेटर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर हम बारामूला की बात करें तो यहाँ का जो बजट है वो बनता ही ऐसे है कि उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एरिया डेवलपमेंट प्लान्स का होता है, जिसमें सरपंचस पंचेस का रोल होता है, वो अपने लेवल पर प्लानिंग करते हैं। ब्लॉक्स का रोल होता है, लाखों रुपया जो है वो डायरेक्टली इनकी प्लानिंग से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी यूटी कैपिटल में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें प्लान की जाती हैं। हमने आज के ब्लॉक दिवस की कहाँ कहाँ पे इशूज आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पे और ज़्यादा नेक्स्ट टाइम जो प्लानिंग करें उसमें किस चीज किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैम, यहाँ पे हम बात करेंगे घास चराई लैंड के हवाले से, यहाँ पे बात छोड़ी गई है अमीरों पे, वो अमीरों ने वहाँ पे जमीन पे कब्जा किया। जो भी हमारी स्टेट लैंड है और घास चराई लैंड है ये गवर्नमेंट की एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि स्टेट लैंड और घास चराई लैंड जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी होती है और जो घास चराई होती है वो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है। अगर उसकी एनक्रोचमेंट होती है तो उसमें पूरी कम्युनिटी का नुकसान है क्योंकि उस घास चराई लैंड पे जो है वो ग्रेजिंग लैंड होती है बेसिकली और उस पर कम्युनिटी के जो है वो जो मुफीद कम्युनिटी को मुफीद हो चीज़ें वो होनी चाहिए। इसी के लिए हमारे पूरे बारामूला में जो है एक तहत एक इसी निज़ाम एक निज़ाम चलाया जा रहा है जिसमें जो भी लैंड इलीगली ऑक्यूपाइड है, चाहे वो हाईवेज़ पे हो, रेड रिबन एक्ट में आती हो, या चाहे वो स्टेट लैंड हो, घास चराई लैंड हो, उन सबको रिट्रीव कर रहे हैं और इसमें हम 40% तक कामयाबी हुई। पर जो ये प्रोग्राम होती है पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम होती है, यहाँ पर पब्लिक को बोलना चाहिए, जो आम पब्लिक है, जो PRIs होते हैं उनके लिए तो मीटिंग होती ही रहती है, मगर यहाँ पे जो ये प्रोग्राम होते हैं इनमें पब्लिक की आवाज़ होनी चाहिए, यहाँ पे पब्लिक बोलना चाहिए, तो इसमें पब्लिक को इन्वॉल्व होना चाहिए। जो ब्लॉक दिवस है उसमें पब्लिक को भी बोलना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेम्बर्स को भी बोलना है, ऑफिसर्स को भी बोलना है और आप देखेंगे कि पूरा दिन हमारा चला गया इसी में। हम सुबह 9 बजे से ब्लॉक दिवस कर रहे हैं और अभी 2 बज गए हैं तो ऑलमोस्ट हमारा 5-6 घंटे का ये प्रोग्राम रहता है और इसमें ये फ्रूटफुल इसलिए होता है क्योंकि इससे हमें एक जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है वो बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि हम ऑफिसेज में बैठ के, जो पहले एक इशू बन गया था कि लोगों से मिल नहीं रहे थे ऑफिसर्स, तो आज मुझे लगता है किसी हद तक हम उसमें कामयाब हुए हैं, लोगों से हम मिल रहे हैं और लोगों के इशूज़ डायरेक्टली सुन रहे हैं कि हमारा श्रीनगर
बारामूला टू उड़ी की जो नेशनल हाईवे है उसकी फोर लेनिंग का प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंजूर कर दिया है। बहुत ही मेहनत के बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो मंजूर हुआ है और इसकी वजह से सारे बारामूला के जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं क्योंकि इससे हर एक जो तहसील है हर एक ब्लॉक जो है वो फ़ायदा उठाएगा। जो हमारी जो नॉर्मल हाईवे थी उस पर जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा और इससे पूरे नॉर्थ कश्मीर के तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं कुपवाड़ा हो बांडीपुरा हो या बारामूला हो ये सारे फ़ायदा उठाएंगे और इवन श्रीनगर भी इसका बहुत फ़ायदा उठाएगा। ये बीआरओ को दिया गया है ये काम और इस पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। मैं आपको बताऊँ, आपको पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारा ब्लॉक दिवस, जो ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है, आज हमने चूज़ की है यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली। आज इसमें खसूसी मेहमान थे एडिशनल कमिश्नर कश्मीर जनाब काजी सरवर साहब, डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर जी, एसीडी साहब, तमाम जितने भी महकमे हैं उनके सरबराहान मौजूद थे और पॉइंट सर पॉइंट हजरात तकरीबन 1000 से आगे ज़्यादा लोग हमारे साथ इस ब्लॉक दिवस में आए हैं। आज लोगों ने अपने डिमांडें, जो प्रधानमंत्री का जो सोच है, जो प्रधानमंत्री का पंचायत राज सिस्टम में जो आवाज़ है वो लोगों की आवाज़ है, उनको लोगों को आज अपनी जो भी डिमांडें हैं उनको अफसरों तक पहुंचानी थी और सरपंच को भी बताना था। सर, अगर हम बात करें जो ब्लॉक दिवस होता है पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में, आपको लग रहा है कि इन प्रोग्राम्स का इनेकाद करने से आम जनता को फायदा हो सकता है? असल में हमारी यह जो यहाँ पर ये जो पंचायत राज सिस्टम है, जो पांच सरपंच साहिबान है, ये अवेयर नहीं है। जो ब्लॉक दिवस है ये लोगों को आना है सामने, लोग हमें सवाल करें आपने काम किया है नहीं किया है। जब लोगों को बोलने ही नहीं दिया, सरपंच को क्या बोलना है इसमें जी? सरपंच तो जवाब दे दिया है जी, सरपंच को जवाब देना है लोगों को जी जी। इसीलिए मैंने रखा था कि लोग हमें पूछें, अगर आपने दो साल किए, दो साल में आपने क्या किया है जी? अगर मैंने कंप्लेंट की तो आपने इस कंप्लेंट को क्या किया जी? लेकिन बदकिस्मती है यहाँ के सरपंच लोग जितने भी है ये तो सियासी नजर हो गए, तो इनको पता ही नहीं है ब्लॉक दिवस किसको बोलते हैं। सर, ये आम लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। सर, हमने भी देखा सबसे ज्यादा डिमांड जो थी हमारे इस एरिया में वागोरा ब्लॉक में, कहीं पे भी खेल का मैदान अच्छा नहीं है जहां अच्छे टूर्नामेंट होते हैं। आपका ब्लॉक और जो ब्लॉक दिवस किया जाता है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो युवाओं की डिमांड है ये पूरी हो जाएगी ये प्रोग्राम के बाद? इंशाअल्लाह, आप मुझे लैंड दे दो, मैं आपको बड़ा से बड़ा ग्राउंड जो मिनी स्टेडियम होगा मैं दे दूंगा, ये सर। तो जब लैंड आप बोलते हैं तो लैंड ढूंढना भी आप ही काम है क्योंकि आप भी एडमिनिस्ट्रेशन में है। नहीं, एक चीज है ना, जिसको हम चाहे तहसीलदार साहब को हम बोलेंगे भाई ये जो स्टेट लैंड है इसको निकालो, लोग ही उसमें मदाखल करते हैं कि ये मेरा है, ये उसका है, ये इसका है, करने नहीं देते। इसमें लोगों को सामने आना है, वो हमारे सामने आए, लोगों को जो जिसने जमीन खाई है उसको निकाले, हम स्टेडियम आपको बना के दे देंगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू।